आओ चले देशवासियों, 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाएं। यह बड़े हर्षोल्लास के साथ भारत भर में मनाया जा रहा है। खुशियों का नया भारत बनाएं। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए, पर्यावरण की दुनिया में आपका स्वागत करता है आज सुबह टाइम। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन आपको आज सुबह टाइम सुबह सुबह जगाता है कि आप सुबह उठें और योगा करें और पेड़ पौधे लगाएं और स्वच्छता के प्रति विशेष ख्याल रखें, क्योंकि अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बा में आप। नमस्कार, मेरा नाम तिलक धारी सिंह है। हम यूपी के बस्ती जिले से रहने वाले हैं। हम आज आप लोगों को आज सुबह टाइम की तरफ से पर्यावरण के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों को सुबह उठना चाहिए और पार्कों में घूमना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हमें सुबह ताज़ी हवा मिले, हम लोग घूमेंगे, हमारा स्वास्थ्य शरीर सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा और जो है हमें ताज़ी हवाएं मिलेंगी। सर, स्वच्छता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तिलक के बारे में हमारा ये कहना है कि जैसे हम लोग अपना पेड़ पौधे लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली होगी, शुद्ध ताज़ी हवाएं मिलेंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए हमें सुबह जो है अपना थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है हमें आसपास की चीज़ों पर विशेष नज़र रखना चाहिए। हमारे आसपास की जो गंदगी है उसको साफ सुथरा रखें, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा देश स्वस्थ रहेगा। भारत सरकार स्वच्छता पर भी बहुत विशेष ध्यान दे रही है और हमें भी अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो मेरा जीवन शुद्ध रहेगा, हम लोगों की उम्र लंबी रहेगी, ज़्यादा समय तक जी सकेंगे। बस यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। तक कि आप शुद्ध हवा पेड़ पौधे लगाते हैं तो शुद्ध हवा चलेगा और यह लाभ, जैसे कि गर्मी में आपको पंखे की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है, एक सेकंड यदि लाइट कट जाती है तो आप कितना जो है बिजली विभाग को आप क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो ये हुई है कि यदि आप प्रदूषण से बचना है तो पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए और हम सभी को प्रदूषण से खास ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से पर्यावरण जो है लोग चिंता करते हैं कि पर्यावरण हमारे यहाँ नहीं है और जो है प्रदूषण, लोग जो है कूड़ा करकट जलाते हैं या खेतों में पराली जला देते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है कूड़ा करकट से या प्रदूषण फैलता है, धुआं से प्रदूषण फैलता है, शहर जो है प्रदूषित हो जाता है। उसी तरह से आपको यदि हवा पानी हर चीज़ स्वच्छ रहेगा तो आप स्वस्थ जीवन के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, सुबह सुबह का मौसम है, स्वच्छता के प्रति भारत सरकार भी विशेष कार्य कर रही है और यह कार्य आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का रुझान रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं तिलकधारी सिंह, खास रिपोर्टिंग के साथ पर्यावरण के बारे में आज आपको जागरूक कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सुना पर्यावरण के बारे में तिलकधारी सिंह खास रिपोर्टिंग सुबह सुबह हमें करते हैं और लोगों को जगाने का कार्य करते हैं। जिस तरह से उनका यह रुझान रहा है कि पर्यावरण हमें शुद्ध चाहिए तो सबसे पहले पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी हरियाली युक्त मौसम हो, हमारा हरियाला युक्त विश्व हो, देश हो और खुशहाली के साथ आगे बढ़ें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सभी को प्रदूषण से बचना है तो 3-4 ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि यह प्रदूषित ना हो और लोग निरोग रहें, रोगी ना बने। प्रदूषण से रोग अधिक हो जाता है क्योंकि प्रदूषण, जैसे कि खेतों में पराली जलाने से प्रदूषित होता है वायुमंडल, और यदि आप कूड़ा करकट अधिक से अधिक आप जला रहे हैं तब भी होता है। यदि आप पॉलीथीन जला रहे हैं तो सोलिए सबसे बड़ा जहर वो प्रदूषित करता है वायुमंडल में जाकर, और यही जो है मानव को घात पहुंचा देती है। तो आप पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाइए। फिर हम आपसे मिलेंगे खास मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।